यहाँ जूतों की दुकान हुआ करती थी। तो अभी भी है, 9 बजे के बाद। कितना दो? दे दो। अच्छा सुना, अच्छा गांधी को मार दिया क्या? हाँ किसने? किसी हिंदू ने सीने में दे दी 3 गोली, धाए धाए धाए। या अल्लाह, खबीज कहीं का। अरे बुरी खबर देने की तमीज भी नहीं है? दफा हो इमरान। लो खा लो बेटा। सकीना मिली? कुछ पता चला सकीना मिली? अरे मिल जाएगी चाचा, मिल जाएगी। 4 जन थे यही तो कह रहे हो। अच्छा चाचा ये बताइए आपकी सकीना दिखती कैसी है? बताया तो था, उम्र 17 वर्ष के करीब, बहुत ही खूबसूरत, आंखें बड़ी बड़ी, काले बाल इतने लंबे, भाई निकाल पे मोटा सा तिल। वादा करता हूँ आज जरूर मिल जाएगी। मिल जाएगी बेटे, कब मिलेगी? कब मिलेगी बेटे? यही सुनता आ रहा हूँ। भाइयों किसी ने मेरी सकीना को देखा? बड़ी बड़ी आंखें, काले बाल इतने लंबे, यहां तिल। सकीना क्या है? जी मैं इसका बाप हूं। बोल दो। मुर्दे जिस्म में जुम्बिश हुई, सिंधा बेजान हाथों ने अजारबंद खोला और सलवार नीचे सरका दी। बुढ़ा सिराजुद्दीन खुशी से चिल्लाया, जिंदा है मेरी बेटी, जिंदा है। डॉक्टर सिर से पैर तक पसीने में गर्क हो चुका था। खोल दो। बहुत ही निंदा, इसे तो मैं छापूंगा मंटू साहब। कैसे उतराते हैं आप पर ये अफसाने? आप तो मेरे जहन से मिल गए। और ठंडा गोश्त? वो हमारी मैगजीन के लिए बहुत गर्म है। बैठिए ना। आजकल आप टाइपराइटर इस्तेमाल नहीं करते? भाई टाइपिंग के शोर से मेरे ख्यालात की तितलियां उड़ जाती हैं, मेरे लिए पेंसिल का। तो उन कीमती शफर और पार्कर उनका क्या होगा? रखे हैं सब कहीं दराज। लेकिन ये मत समझिएगा कि पेंसिल से लिखा है तो मिट जाएगा। जब आप अपना एक लफ्ज नहीं मिटाते हैं तो किसी और की क्या मजाल? एक मिनट।
आपका घी। शुक्रिया अरुणदेव। हाँ, मुझे इसे बंबई नहीं पहुंचाना पड़ेगा। यकीन नहीं होता कि आप यहाँ आ गए। मैं तो चलता फिरता बंबई हूँ। ये नज़म किसकी है? फैज़। सुबह आज़ादी जब भी से पढ़ता हूँ। किताब दाग उजाला ये शवाजिदा शहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं, ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार कि मिल जाए ये कहीं ना कहीं फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा शब सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीनाए गमे दिल। अपने घर का सारा सामान खाली कर दो क्या? मामू जान की किताबें बिखरी पड़ी हैं, सलीके से तो लग जाएंगी। सारे खिलौने ले गई है। और तुमने क्या किया? मैं आपके पास आई। आ गई तो मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। हैं, सुनाओ। एक थी नानी, उसकी बहन थी नहानी, उसका भाई था बिसौला। उसने बसाए तीन गांव, दो बसे बसाए, एक बसाई नहीं। उस पे उतरे तीन मेहमान, दो रूठे राटे, एक मनाई नहीं। जो मनाही नहीं उसको लगाए तीन पप्पियाँ, एक इधर एक उधर और एक लगाई नहीं। मामू जान आ जाइए। आए, ठंडा हो गया। मामू जान, किसी नौकरी के बारे में सोचा? नहीं भाई, तुम कहो तो सरकारी मुलाजिम बन जाऊं, या कि गुलाम अहमद की तरह चूरन बेचने लगूं। वैसे भी आजकल लिखना मुश्किल होता जा रहा है। क्यों, ऐसा क्यों? क्या लिखूं? यही कि छह वैशी दरिंदों ने आज एक औरत को बस अड्डे से अगवा कर लिया, उसे तबाह करने के बाद नंगा छोड़ दिया सर्दी की सख्त रात में, उसकी बच्ची जिसे वो गोद में लेके भाग रही थी अब उसकी माँ के आगोश में दम तोड़ दिया। लिखो ये सब। अब्बा जी, मेरी तीसरी पप्पी नहीं दूंगी। तुम बेफिक्र हो, मैं इतने लिखूंगा कि तुम भूखी नहीं मरोगी। यही तो फिक्र है कि आपके लिखने की वजह से ही हम भूखे मरेंगे।